अहम् समः सर्वभूतेषु। आई एम द वन विद इक्वल फीलिंग ऑफ सोल टुवर्ड्स ऑल द लिविंग बीइंग्स। न द्वेषामि, नीदर इज हेटफुल फॉर मी, न अस्ति प्रिया, नोर इज डियर, तु ये भजन्ति माम भक्त्या। बट दोज हु रिमेम्बर मी विद द फीलिंग ऑफ डिवोशन, ते मई, दे आर प्रेजेंट इन मी, च अहम् अपि तेषु, एंड आई टू एम प्रेजेंट इन देम। अहम् समः सर्वभूतेषु, न द्वेषामि, न अस्ति प्रिया, तु ये भजन्ति माम भक्त्या, ते मई, च अहम् अपि तेषु। इंटरप्रिटेशन। आई एम द वन विद इक्वल फीलिंग ऑफ सोल टुवर्ड्स ऑल द लिविंग बीइंग्स, वेदर दे आर सुपीरियर और इन्फीरियर। नीदर एनीवन विद डिमोनिक ट्रेट्स इज हेटफुल फॉर मी, नॉर द वन विद डिवाइन फीलिंग्स इज डियर, बट दोज हु रिमेम्बर मी विद द फीलिंग ऑफ फेथ एंड डिवोशन, दे आर प्रेजेंट इन मी एंड आई टू एम प्रेजेंट इन देम थ्रू देयर ओन फीलिंग्स और रिमेम्बरेंस। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। एस्टैब्लिशमेंट थ्रू ब्रह्मा, सस्टेनेंस थ्रू विष्णु एंड डिस्ट्रक्शन थ्रू शंकर। डमरू भी दिखाते हैं। अ डमरू इज आल्सो शोन विद शंकर। उस बात की यादगार। इट इज द यादगार ऑफ व्हाट? है? अरे अरे, डमरू का जो डंका है, गांठ है, वो दोनों ओर बजती है। The drum, the knot of the damru plays on both the sides. Right ear side maybe, or left side maybe. On the right yes, that is right side as well as the left side. Asuron को भी संतुष्ट कर देता है और देवताओं को भी संतुष्ट करता है. He, that is Shankar, satisfies the demons as well as the deities. असुरों को भी वरदान देता है और देवात्माओं को भी वरदान देता है। He gives boons to the demons as well as the deity souls. पक्षपात करता है क्या? नहीं। Does he do partiality? No. आत्मिक दृष्टि से देखता है या देवान की दृष्टि से? Does he see them with the soul conscious vision or body conscious vision? आत्मिक दृष्टि से। With the soul conscious vision. और शिव बाप अपवित्र को घृणा नहीं करते। As a matter of fact, the father Shiv doesn't hate the impure ones. ऐसे नहीं कि पवित्र आत्माओं से बहुत प्यार करते हैं। It isn't that he loves the pure souls a lot. क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसे से बहुत प्यार होता है। It is because, as someone is, he likes those who are like him. Yeah? What? ब्राह्मण कुल का होगा तो किसको ज्यादा तरजीह देगा? If someone belongs to the Brahmin clan, who will he give more preference? ब्राह्मण कुल वालों को तरजीह देगा। He will give preference to those belonging to the clan of Brahmins. हाथियों के कुल का होगा तो हाथियों की तरफदारी करेगा। If someone belongs to the herd of elephants, he will praise the elephants. शेरों की कुल का होगा तो शेरों की तरफदारी करेगा। If someone belongs to a pride of lions, he will praise the lions. सब अपनी अपनी जाति की तरफ मुड़ जाते हैं। Everyone is inclined towards their community. लेकिन सेवक उसकी अपनी कोई अलग से स्पेशल जाति नहीं है क्या? बट शिव डजंट हैव ए स्पेशल कम्युनिटी ऑफ हिज ओन। व्हाट? वो सृष्टि पर आकर के सबको समान प्यार देता है। ही कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड लव्स एवरीवन इक्वली। सबको मौका देता है, चाहे असुर से असुर हो और चाहे देवता। He gives a chance to everyone. अनेक जन्मों के संस्कार स्वभाव वाला। Beat the one with the nature and संस्कार of a demon or a deity of many births. सबको समान रूप से पुरुषार्थ करने का मौका देता है।
ही गिव्स एवरीवन एन इक्वल चांस टू मेक पुरुषार्थ। इसलिए शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि विष्णु पक्षपात करते हैं। दिस इज वाई इट हैज बीन शोन इन द स्क्रिप्चर्स विष्णु इज पार्शियल। किसके प्रति? देवताओं के प्रति पक्षपात करते हैं। टू होम ही इज पार्शियल टू द डेटीज। देवताओं की तरफदारी लेंगे और असुरों को ठुकराएंगे। ही विल फेवर द डेटीज एंड रिजेक्ट द डीमंस। और शिव शंकर भोलेनाथ? एंड वॉट अबाउट शिव शंकर भोलेनाथ? देवताओं को भी वरदान देते हैं अगर तपस्या करते हैं और असुरों को भी वरदान देते हैं अगर तपस्या करते हैं। He gives boon to the deities as well as demons if they do tapasya. तो वो कहता है जो मुझे जितना याद करते हैं उनको मैं बहुत याद करता हूँ। So he says, the more someone remembers me, I remember him a lot. क्या? What? जो मुझे बहुत याद करते हैं मैं उनको बहुत याद करता हूँ। तो दोनों तरफ से तार जुड़ा है या नहीं जुड़ा? Those who remember me a lot, I remember them a lot. So did the wire connect from both the sides or not? है? कनेक्शन जुड़ेगा ना? There will be the connection, won't there? तू बताया। तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना समझो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। So it was said, the more your children remember me, consider that I am just with you to that extent. तुमसे जुदा नहीं, तुमसे दूर नहीं हूँ, सदैव ऐसे ही समझो। I am not separate from you, I am not far from you. Think like this all the time. तो जिनको भगवान याद करेगा, ऊंचे ते ऊंचा आत्मा याद करेगा। So those whom God, the highest of the highest soul, remembers, तो जिसको याद करेगा उसकी आत्मा को खिंचावट होगी या नहीं होगी? है? The one whom he remembers, will his soul be attracted or not? Students, it will be. दिल से दिल को राहत होती है। Heart gets relief from heart. समझे? Did you understand? तो उसको खिंचावट होने लगती है। So he gets attracted. जो तुलसीदास ने कहा है। For which तुलसीदास has said, हृदय पीर मेरे। क्या? हृदय पीर मेरे। What? मेरे हृदय में दर्द होता है, घाव रघुवीर। I feel pain in my heart and घाव रघुवीर। क्या? What? राम जी महाराज जिन्हें मैं भगवान समझता हूँ उनको घाव लग जाता है हृदय में। राम जी महाराज, whom I believe to be God, is hurt within the heart. अच्छा, तो उनसे बता दो ऑपरेशन कराएं जाके। अच्छा, so ask him to get himself operated. तो ये भावना है। So this is the feeling. कि भगवान भी भावना का भूखा है। Even God is hungry of feelings. ये पक्का याद रखें, जितना हम भगवान से प्यार करेंगे, जितना लगाव करेंगे, जितनी याद करेंगे उतना हमको वो प्यार करेगा। You should remember this firmly. The more you love God, the more you attach yourselves to Him, the more you remember Him, He will love you to that extent. और हमको वो प्यार करेगा तो हमारी याद की ताकत बढ़ जाएगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। एंड इफ ही लव्स यू, विल योर पावर ऑफ रिमेम्बरेंस इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल इंक्रीज।